हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हो चुकी हूँ कंप्लीट रेडी और अभी बज रहे 7:30। आज है मेरा एक अर्ली मॉर्निंग मेकअप, तो मैं उठ चुकी हूँ। चिकू अभी तक सोए हुए हैं, तो मैं चिकू को उठा रही हूँ। मेरे को जाके सलून पे छोड़ के आओ, तो सलून जाना है मेरे को। पर ये जनाब हिल तो गए, बस अब उठ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सलून चलते हैं। मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा हो चुका है बाहर अब तो। काश दिन में भी थोड़ा ठंडा हो जाए। और बहुत मच्छर काटे आज तो मेरे को मेरे रूम में, कभी हाथ होते नहीं हालांकि, पर आज ही काटे बहुत ज़्यादा मच्छर थे। हैप्पी बर्थडे की ब्राइड है, वो तैयार हो गई है और साथ साथ में इसके सामान भी सारा अवेज ही है। आज इंगेजमेंट है इनकी, तो आज हैप्पी बर्थडे हम सब जने शॉप से रहेंगे। इंगेजमेंट है इसलिए कंप्लीट हो गई है। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, शेयर करो और कमेंट कर दो। हाँ। और सब्सक्राइब भी कर दो जिसने नहीं किया हो। ये यूट्यूबर की फियांसे होने के हिसाब से इसको सब पता है क्या क्या कहना है। मैं कर रही हूँ थोड़ा सा मेकअप क्योंकि हमको जाना है हैप्पी ब्याह की इंगेजमेंट में। मैं बहुत लो लग रही हूँ, मैं तबीयत सही नहीं है। हाँ, यही पहन के जा रही हूँ। कैसा है? हो गया मेरा बेस रेडी, अब मैं लगा देती हूँ मेरे फेस पर कॉम्पैक्ट और बस। मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ये मेरा मैक का कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये बिगर कांच में देखे भी मैं मेकअप कर सकती हूँ। एक दिन ये भी मैं चैलेंज रखूँगी बिगर कांच में देखे मेकअप कर। अभी मैं तो हो गई हूँ कंप्लीट रेडी, मेरे हेयर हो रहे हैं स्ट्रेट क्योंकि ज्योति कर रही है। और हैप्पी भी आज के दिन भी शॉप पर आए हैं, यानी अभी भी यहीं घूम रहे थे, अभी यहाँ से यहाँ बैठे थे, गए हैं। हो गई हूँ मैं रेडी और अभी साड़ी वगैरह वेयर कर लेती हूँ। मेकअप तो कंप्लीट हो चुका है, साड़ी वगैरह वेयर करके फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने सिर्फ एक ही पिन से साड़ी पहनी है, एक पिन यहाँ लगाई है और एक पिन मैंने प्लेट्स में लगाई है। बाकी मुझे पूरी दो ही पिन से साड़ी पहनना अच्छा लगता है क्योंकि परफेक्टली सेट रहती है इसलिए, और मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। और आज मैंने प्लेट्स बनाई हैं, कभी कभी फ्री रखती हूँ, पर इन साड़ियों के ऊपर और बनारसी साड़ियों के ऊपर तो मुझे ये लगता है प्लेट्स बना के व्यवस्थित पहनने तो अच्छी लगती है। हो गई हूँ कंप्लीट रेडी, एक तो चूड़ी बाकी है और एक बाकी है परफ्यूम जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आ जाओ चलो। इधर मेरा कोई कलेक्शन नहीं है, सिर्फ परफ्यूम का है, वो भी परफ्यूम में कुछ गिने चुने हैं जो मुझे रेगुलरली अच्छे लगते हैं और मैं रेगुलरली लगाती हूँ। बाकी ये कलेक्शन सारा मेरे हस्बैंड का है और आज मुझे परफ्यूम लगाना है ब्लू जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लग गया। हमेशा मैं एक परफ्यूम कभी भी नहीं लगाती, मिक्स मैच करती रहती हूँ। और मुझे जहाँ पर भी स्वेटिंग होती है वो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ। और ये है छोटा सा निया परफ्यूम, ये अभी न्यू लॉन्च डे है यानी टाइम हो गया है, बट बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंसेस है इसके अंदर। 4-5 फ्रेग्रेंसेस हैं और क्यूट क्यूट छोटी छोटी बॉटल्स हैं जो कि चिकू लेके आए। अरे यार बहुत गाठे है। फंक्शन के लिए रेडी हो गए हैं, पर मस्ट मास्क यूज कर लेते हैं क्योंकि मास्क वो यूज करना ही है। तो बस अभी हम जा रहे हैं वहां जाके, फिर आप लोगों से मिलेंगे।
अभी पूरा ही प्रोग्राम चालू हो गया और सब लोग खाना खा रहे हैं। हाय गाइस, कैसे हो? और रिंग सेरेमनी वो चालू हो चुकी है और रिंग सेरेमनी खत्म हो चुकी है। चालू कहाँ हुई है? खत्म हो चुकी है। ये भूत तेरे को देख के ये मेरे बाल उड़ रहे। ये ननंद और भाभी इतने टाइम तक ये कुंवारी है, सारा भाभी का खाना यही खा रही है। और सबसे ज्यादा मोटी हो रही हूं, मोटी। आपका लहंगा आपका ना प्यारा लग रहा है ना यार, सच में मस्त लग रहा है। हैप्पी भी काम कर रहे हैं दूल्हे होके। उसने कुछ भी काम नहीं किया, सब काम मैंने ही किया सुबह से। कुछ भी काम अपने काम करने की जरूरत ही नहीं, नौकर रख रखे। ए वो रिंग सेरेमनी ओइंग सेरेमनी नहीं दिख रहा? अच्छा इसमें ऐसा दिखता है ना अपने को, ये क्या है? तो कितना और इसमें देखना कहाँ होता है? कैमरे के सामने। पर मेरा मन तो यही देखने का करता है क्योंकि तुम सच्चे ब्लॉगर नहीं हो। हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवानी पंचाल। हेलो गाइस, माय नेम इज, ये देखना पीछे कितना मोटा दिख रहा है इसका पेट। वाइड एंगल हो जाता है साइड से। पागल मेरे जैसा कोई दिखेगा नहीं जैसा। हाँ, इतना बड़ा रावण कोई हो भी नहीं सकता। तो गाइस हो चुका है प्रोग्राम। हैप्पी भैया भी कह रहे हो गया है। मम्मी तुमका कौन मर बद्री जान हगाई थे कि जोरदार एक्सप्लेन करते हैं। ये बद्रीजा बहू, ये बद्रीजा। और लगभग सारे ही लोगों ने खाना खा लिया है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा वैसे। और इधर खाना बना रहे हैं रिसेप्शन है, बुआ। बस अभी हमारे भी खाना बाकी है, फंक्शन हो चुका है। अभी फंक्शन जैसे ही, यानी हम सब घर वाले बाद में लेके खाएंगे, तो चुके जैसे आते फिर खाएंगे और फिर आपसे मिलते हैं। और जिस जिसने भी अपना ब्लॉगिंग चैनल को अभी अनसब्सक्राइब जो भी है करना बंद कर दिया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जाके, क्योंकि शादी पूरी देखने मिलेगी। शादी तो देखने मिलेगी, पर साथ साथ में ब्लॉग्स भी धनाधन आएंगे। हर प्रोग्राम के ब्लॉग्स आने वाले हैं। आज रिंग सेरेमनी का तो हो गया, अब शादी भी है ये कुछ दिनों में। डेट तो लगभग जो यहाँ के उनको पता ही होगी, जिनको नहीं पता है उनको ब्लॉग में पता चल जाएगी। 20 नवंबर तैयार रहना है। और ये भी कही देखने के लिए शादी 20 नवंबर को तैयार है। हाँ, अच्छी लग रही। ये रहा हमारा खाना और ये हम दोनों यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं। खाना वगैरह खा लेते हैं। हिमी, हिमी ये लो वापस लो। अच्छा ये हंस रही है तेरे कैसे? हटने दो उसको। नहीं इसको फ्लाइंग किच कर दो। फेस पे क्या हो गया बेटा? ये नाखून मार रही है इतने। आज आ गया। कर दो व्लॉगिंग, आप कर दो। हेलो बेटा, अब दे दो चाचा को, दे दो चाचा को। कितने जने बैठे हो? ये तो ड्राइविंग का हर रूल तोड़ा है, ये ड्राइविंग का हर रूल तोड़ा हुआ है भाई।
बैटरी वाली ओके ध्यान से जाना है ना वो पकड़ के रखना बाय। ये शिवानी दीदी का फिलहाल का लुक है। ये अभी बस रवाना हो गए हैं हैप्पी भैया के घर से चीकू लेने आ गए तो अभी जाऊंगी मैं डायरेक्ट शायद दुकान ही छोड़ दोगे हो गया है चेंज और अभी जा रही हूँ शॉप पर। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और सिर भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है पर तो भी चलते हैं और चूड़ी मैंने रहने दी है। धूम धूम साइड रूम पर तो लग जाएगी तुमको क्यों भरोसा नहीं ब्रेक छोड़ते ही जाएगी। एक्सलेटर बहुत कम देना पड़ता है। टाटा हैं नहीं अरे डर लगता है मेरे को यहाँ के लोगों से डर लगता है तेरी ड्राइविंग से नहीं गाड़ी चल ही नहीं जा पर से लटका के। अभी आ गई हूँ मैं सलून और आगे वाली शॉप पर काम था वो किया और अभी मैं करवाने वाली हूँ हेयर ऑयल। अभी करवा रही हूँ मैं ऑयलिंग और ऑयलिंग में मैं यूज़ कर रही हूँ गुड हेयर का हेयर ऑयल जो कि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ और मेरे बाल इससे काफ़ी अच्छे हो गए और लंबे भी हो गए आपने व्लॉग में देखा होगा तो अब यही ऑयल लग रहा है मेरे बालों में। मैं शैम्पू कंडीशनर भी इसी का यूज़ कर रही हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है इसलिए मैं ऑयलिंग करवा रही हूँ। मैं हेयर में ऑयलिंग करवाई इसके बाद तो मुझे क्या नींद आई है यानी मैंने वो शूट ही नहीं किया मुझे सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा है इतना ज़्यादा दुख रहा है ये इतना इतना ही पार्ट मेरे को दर्द हो रहा है और सोई तो कहाँ सोने मिले कस्टमर आ गए वापस से शॉप पर आई और वही नींद अधूरी रह गई तो सिर ऐसे नैसे दर्द हो रहा है यही प्रॉब्लम है यार कि फंक्शन में जाके आप भले कुछ काम करो या ना करो पर थकान इतनी लगती है ना पूछो मत थकान बहुत भयंकर लगती है थकान लग गई है बहुत। ये चिकू ने बनाई है मेरे लिए मैगी और मेरा हो रहा है बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द तो चिकू ने कहा यार अभी तुम रेस्ट करो मैं बना लेता हूँ जो भी बनाना है वो जो चीज़ ये बेस्ट बनाते वो लेकर आ गए। बस अभी इसी के साथ कर देती हूँ मैं यहाँ पर ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में ओके बाय। बहुत टेस्टी बनी कैसी लगी बहुत टेस्टी कहीं खाई है ऐसी मैगी तुम्हारे मुकाबले कोई बनाता ही नहीं। चलो मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है मैं भी खा लूं।